चलो, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में सर्कल की दूसरी थ्योरम है। ये थ्योरम का नाम है द थ्योरम जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो चलो, इसके अंदर काय काय की बात हो रही है। द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर की बात हो रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो कौन परपेंडिकुलर रहेगा? ये जो सेगमेंट है ना, जो सेंटर और मिड पॉइंट दोनों से जॉइंट हो रही है, ये जो सेगमेंट है जो सेंटर और मिड पॉइंट किसका? कॉर्ड का। ये जो सेगमेंट सेंटर और मिड पॉइंट को जॉइंट हो रहा है, तो ये जो सेगमेंट है वो कॉर्ड से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। कॉर्ड से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो काय काय की बात हो रही है? सेंटर की बात हो रही है, सेंटर सर्कल की बात हो रही है, तो तुम लोग सर्कल भी बनाएंगे। कितना भी बड़ा सर्कल बनाओ, समझे? ये सर्कल है, सर्कल, ये सेंटर ओ, गिवन, पहला गिवन पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तुम ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्कल विथ सेंटर ओ। मैंने ऐसा लिखा ना, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तुम लोग लिख सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेकेंड तुम क्या बताएंगे? कॉर्ड। कॉर्ड, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है एबी। कॉर्ड का नाम क्या है? एबी, है ना? सेगमेंट एबी इज द कॉर्ड। तुम ऐसा भी बता सकते हैं, ये कॉर्ड के अंदर कौन आ रहा है? मिड पॉइंट आ रहा है, बोले ना, द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मिड पॉइंट, पहले कॉर्ड बता दो कौन है। तुमने बोले सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। थर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, ये जो एम है ना, मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या? ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तुम क्वेश्चन में बता रहे कि ये एम कौन है? मिड पॉइंट। तो इधर लिखे बताओ, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट लिखो, या तो क्या लिख दो? कॉर्ड, या तो क्या लिख दो? कॉर्ड। उन लोग ने बोले मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, तो सेगमेंट मत लिख दो, डायरेक्ट कॉर्ड लिख दो। मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं, इधर कॉर्ड है, नहीं दिख रहा है तो तुम लोग चलो जूम करके देख लेना। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। ओके, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? कि सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट, तो ये वो सेगमेंट है, ये ओ एम वो सेगमेंट है। कौन सी सेगमेंट है? जो सेंटर को और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को ज्वाइन कर रही है। तो मेरे को क्या प्रूफ करने का है? ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट ओ एम, टू प्रूफ, ये जो सेगमेंट ओ एम है ना, जो किसको किसको ज्वाइन कर रहा है? सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। तो तुम लोग याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आए जिसके अंदर कॉर्ड के अंदर बोल देंगे कि ये मिड पॉइंट है, या तो बोलेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम, यहां पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। फिलहाल मैं थ्योरम बता रहा हूं, तो तुम थ्योरम की बेसिस पे देखो इसको। कंस्ट्रक्शन आएगा, क्योंकि मेरे को इधर 90 डिग्री लाने का है, किधर 90 डिग्री लाने का है? या तो ओ एम ए के पास 90 डिग्री, या तो ओ एम बी के पास 90 डिग्री। वो बनाने के लिए मेरे को दो ट्राइंगल चाहिए, तो मैं इधर कंस्ट्रक्शन करूंगा। ड्रॉ सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी। कंस्ट्रक्शन है ना, डॉटेड लाइन रहेगी।
construction. Draw segment OA and segment OB. ये जो OA और OB कौन है, सर्कल की रेडियस भी है, सेंटर से लेके A तक. ये A किधर है, बाउंड्री पे, और O किधर है, सेंटर. तो O से लेके A भी रेडियस, सेंटर कौन है, O, और B किधर है, सर्कल की बाउंड्री पे. ये B वो सर्कल की बाउंड्री पे ना, तो O से B कौन है, रेडियस. जो वैल्यू OA की रहेगी वही वैल्यू OB की वैल्यू रहेगी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. यानी यहां पे मार्किंग नहीं भी डालेंगे तो मार्किंग है, OA इज इक्वल टू OB रहेगा. क्यों, OA और OB कौन है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल मतलब क्या, OA इज इक्वल टू OB. समझ में आ गया, मैंने बता दिया. ओके, कंस्ट्रक्शन में चलो प्रूफ. प्रूफ, ट्राइंगल का नाम बराबर कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से दो. इन ट्राइंगल, मेरे को ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, बाद में इन दोनों एंगल की बात करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. ओके, इन ट्राइंगल ओ ए एम, देखो मैं सेंटर से डायरेक्ट ए के पास गया फिर एम के पास गया. इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल, कैसे नेमिंग दिया मैंने, ओ ए एम. अभी इधर ओ ए एम दिया ना, तो यहां पे क्या दूंगा, ओ बी एम. एंड ट्राइंगल ओ बी एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, करेक्ट. चलो, सब में पहले कभी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे मेरे रूल के हिसाब से, तुम लोग क्या करेंगे, पहले साइड पे अटैक करेंगे. गो विद द साइड. ट्राइंगल की तीन साइड होती है और तीन एंगल होते हैं. या तो तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट बताओ, या दो साइड एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओ, या दो एंगल और एक साइड को कॉन्ग्रुएंट बताओ. टेस्ट कौन सी हो सकती है, एसएसएस, एसएएस, एंगल साइड एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम. देखो कौन सी टेस्ट होती है. आई विल गो विथ फर्स्ट साइड. पहले मैं साइड के हिसाब से जाऊंगा. ओ ए, किसके हिसाब से, ओ ए. ओ ए, ओ ए पे मार्किंग है क्या, नहीं, लेकिन ओ ए रेडियस है, मार्किंग नहीं है लेकिन मेरे को मालूम है ओ ए कौन है, रेडियस. नाउ लुक ओवर हियर, ओ बी, इधर मैंने ओ ए लिया, इधर कौन है, ओ बी. ओ बी पे मार्किंग है क्या, नहीं, मार्किंग नहीं होते हुए भी मार्किंग है क्योंकि ओ बी कौन है, रेडियस. यानी ओ ए और ओ बी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट है ना, दोनों OA और OB कौन है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल पहला कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन हो गया, पहली साइड लिया, OA लिया. अब OA के बाद किसकी बारी आएगी, AM. किसकी बारी आएगी, AM. क्या AM पे मार्किंग है, हाँ देखो दिख रही है. क्यों, कैसे मार्किंग आ गई, क्योंकि उन लोगों ने क्वेश्चन में बोले थे कि ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है कॉर्ड का, तो इतना हिस्सा इक्वल, तो अपने बोल दिए पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. अगर M मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू BM, करेक्ट. तो अपन बता देंगे AM पे मार्किंग है सेगमेंट AM, इधर कौन है, BM. अगर तुम इधर AM बोल रहे ना तो इधर क्या बोलेंगे, BM. सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी एम. इधर ए एम है ना, तो इधर कौन है, बी एम. क्यों मैंने लिया, क्योंकि इधर मेरे को मार्किंग दिख रही है, ए एम और बी एम कॉन्ग्रुएंट है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि एम कौन है, मिड पॉइंट. उन्होंने क्वेश्चन में बोले पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी. या तो तुम ये स्टेटमेंट लिखो पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, या तो सब में बेस्ट गिवन लिख दो, क्योंकि पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी मैंने गिवन में लिख चुका हूं, है ना. दो कंडीशन हो गए, एक और एक कंडीशन ले लो, दो साइड ना, तीसरी साइड देखो ओ एम कौन आ रहा है, ओ एम. क्या ओ एम पे मार्किंग है, नहीं. इधर भी कौन आ रहा है, ओ एम. अरे यहां पे भी ओ एम, यहां पे भी ओ एम, मार्किंग नहीं होते हुए भी मार्किंग है, क्योंकि ये ट्राइंगल में भी ओ एम आ रहा है और ये ट्राइंगल में भी ओ एम आ रहा है. यानी ये ओ एम, ओ एम क्या हो जाएगा, कॉमन साइड. ये OM है ना, ये ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये OM है ना, ये ट्राइंगल में भी आ रहा है. तो ले लो सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OM. रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड. तीन कंडीशन हो गए ना, बस. देयरफॉर ट्राइंगल
ओ ए एम, देखो इधर ट्राइंगल है, ये सेगमेंट का जी लंबा हो गया है, ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉन्ग्रेंट टू, ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, समझ रहे, ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एम बाय एस 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 टेस्ट, तीनों भी साइड लिए, कौन सी टेस्ट है ये, एस 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 साइड 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 टेस्ट, ओके। तुम्हारे को क्या बताने का है कि सेगमेंट ओ एम कॉर्ड से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी यहां पे क्या लाने का है, 90 डिग्री, क्या लाने का है, 90 डिग्री, कहां पे लाने का है, एम के पास, या तो ओ एम बी को 90 डिग्री बनाओ या तो ओ एम ए को 90 डिग्री बनाओ, समझ है, तो अब 90 डिग्री किसकी बात हो रही है, एम की बात हो रही है, ये वाले एंगल एम की बात हो रही है, तो चलो एंगल कौन सा एंगल बीच में लाएंगे, एम, क्योंकि एम के पास 90 डिग्री लाने का ना, तो एम बीच में लिखेंगे, एम लिखा, एम मैंने बीच में लिखा और एम के ऑलरेडी पहले ए है तो ए को रहने दो, वैसे ए एम चेंज किसकी पोजीशन होगी, ओ की, क्योंकि मैंने किस ओ ए एम में से मैं किसको बीच में लेकर आ रहा हूं, एम, क्योंकि मेरे को इधर 90 डिग्री लाने का ना, तो जहां की बात हो रही तुम उसी को पकड़ो ना, ओ को भी मत पकड़ो, ए को भी मत पकड़ो, किसको पकड़ो, एम, क्योंकि तुम्हारे को ओ एम ए बी से क्या बताने का है, परपेंडिकुलर, तो मैंने एम को बीच में लिखा और ए ऑलरेडी पहले, ए एम और ओ लास्ट में आ गया, कैसा मैंने नेमिंग दिया, एम बीच में लाने के लिए, ए एम ओ इज कॉन्ग्रेंट टू, ए एम ओ ना, ए एम ओ इज कॉन्ग्रेंट टू, ये कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, एंगल ए एम ओ सेकेंड फर्स्ट थर्ड, देखो ए सेकेंड है, एम थर्ड है, ओ फर्स्ट है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो इधर भी वैसे जाएंगे, सेकेंड कौन है, बी, थर्ड कौन है, एम, फर्स्ट कौन है, ओ, है ना, बी एम ओ, एंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी एम ओ, रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, मैंने इधर लिखा हुआ दिख रहा है, तुम लोग ऐसा लंबी लाइन करो, इक्वेशन वन बता दो, ओके, चलो अब मेरे को यहां पे क्या लाने का, 90 डिग्री, अभी एएमओ और बीएमओ का रिलेशन देखो, एएमओ और बीएमओ एग्जैक्ट आजू बाजू में, ये एएमओ और बीएमओ लीनियर पैर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो एएमओ प्लस बीएमओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पैर एंगल क्या फॉर्म करते हैं, 180 डिग्री, एंगल एएमओ प्लस एंगल बीएमओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो तुमने एंगल का नाम लिखे वही लिखो, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ प्लस एंगल, इसका नाम ओ एम बी लिखे कि बी एम ओ लिखे, बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री डॉट 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 लीनियर पैर एंगल, दिख रही है, लीनियर पैर एंगल, ओके, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब यहां पे तुमने बताया ए एम ओ बी एम ओ कॉन्ग्रेंट है, दिख रही इक्वेशन वन के अंदर ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो तुम लोग एएमओ की जगह पे एएमओ लिखेंगे, बीएमओ हटा के क्या लिखेंगे, एएमओ, या बीएमओ की जगह पे बीएमओ लिखो, एएमओ हटा के क्या लिखो, बीएमओ, जो लिखने का तुम्हारे पास चॉइस है वो लिखो, मैं एएमओ, ये जो एएमओ है ना उसकी जगह पे एएमओ ही लिख रहा हूं, मैं एएमओ को वैसे ही लिख रहा हूं, एंगल बीएमओ हटा के मैं एएमओ लिख रहा हूं, क्योंकि एंगल एएमओ और बीएमओ इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, एंगल बीएमओ हटा के क्या लिख दूंगा, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब ये दोनों सेम एंगल हो गए, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, 1 प्लस 1 2 ट्वाइस, देयरफॉर दोनों इक्वल आ रहा है ना एक लाइन में, देयरफॉर इधर 1 और इधर 1 ट्वाइस एंगल एएमओ, एंगल एएमओ को एंगल एएमओ से प्लस करूंगा तो क्या एंगल 2, इधर भी 1 इधर भी 1, 2 एंगल एएमओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या आंसर है, 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18, 0, 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए एम ओ कितना मिला, 90 डिग्री, ए एम ओ 90 डिग्री, अगर ए एम ओ 90 डिग्री है, ए एम ओ 90 डिग्री है, तो अपन बोल देंगे कि ये जो सेगमेंट ओ एम कॉर्ड ए बी से क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इधर 90 डिग्री आ गया ना,
परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री आना, तो हम लोग बोल देंगे कि सेगमेंट OM, ये सेगमेंट OM कौन है, सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को जॉइंट हो रहा है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे को कॉर्ड दिखा और कॉर्ड का ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो हम लोग बोल देने का डायरेक्ट कि ये इससे क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों, ये थ्योरम हमारे को सिखा दिए। AMO 90 डिग्री ना, तो अपन बोल देंगे सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। अभी इधर जगह नहीं है, आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, लुक हियर। क्या बताएंगे, AMO 90 डिग्री हो गया ना, तो क्या बोलेंगे, सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। तो इधर लिख के बता रहा हूं, देखो सेगमेंट OM इधर 90 डिग्री आ गया ना, ये 90 तो ये भी 90 हुआ, क्योंकि AMO और BMO कॉन्ग्रेंट है, मालूम है ना, अपने प्रूफ करें। तो सेगमेंट OM इधर लिख रहा हूं, सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, समझ है? ये जो सेगमेंट OM है, सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, समझ है? तो कैसे, ये थ्योरम से हम लोग ने प्रूफ करें, ये थ्योरम से हमने प्रूफ कर डाले कि जो भी सेगमेंट सेंटर को और मिड पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे, मिड पॉइंट कौन, कॉर्ड का, सर्कल होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए और ये कॉर्ड, कॉर्ड का कौन होना चाहिए, मिड पॉइंट। AM और BM इक्वल हो गया तो M कौन हो जाएगा, मिड पॉइंट। अगर सेंटर और मिड पॉइंट को जो भी सेगमेंट ज्वाइंट हो रही, तो वो सेगमेंट कॉर्ड से क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये स्टेटमेंट बाहर कर लो, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। थ्योरम फिनिश्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ये पेज का, फिर इतना हिस्सा मेरे को ये पेज पे लिखना पड़ा। फिनिश्ड।